हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो अब साउंड चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स क्विकली गेट इनटू द क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वॉट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस जब हमने चैप्टर के नोट स्टार्ट किए थे पहला टॉपिक यही था हमारा कि साउंड क्या होता है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड एनर्जी है एक विच गिव देंसेशन ऑफ हियरिंग जिस जैसे होता है ना कुछ हम हीयर कर रहे हैं तो वो यही एनर्जी की वजह से फील होता है कि हाँ कुछ सुन पा रहे हो और दैट इज साउंड इट इज प्रोड्यूस बाई दाइब्रेशन कॉज इन द एयर बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जब कोई ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो उन वाइब्रेशन से साउंड Produce होता है। आगे है आगे साउंड सो फर्स्टली अगर आप लोग सिर्फ बैक एक्सरसाइजेस देख रहे हो चैप्टर के नोट्स नहीं देखे तो प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज यहाँ पे दो लाइन में आंसर या चार लाइन में आंसर होता है बट जब नोट्स में मैं आपको समझाती हूँ तो पूरा करती हूँ उससे होगा जितना आपको अच्छे से समझ में आएगा आप खुद अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो उस चीज को ठीक है तो सिर्फ यहाँ पे मत समझ के जाना और नोट जरूर चेकआउट करना चलो वेन अटिंग बॉडी स्विंग फॉरवर्ड इट पुशेज एंड कम्प्रेस दिन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग रीजन ऑफ हाई प्रेशर दिस रीजन इज कॉल्ड्रेशन दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमें पता है जैसे कि जब कोई कहीं से जैसे है, एक लाइन है वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो वो इसको जाके टक्कर मारेगा ये वाइब्रेट करेंगे ये आगे टक्कर मारेगा तो इस तरीके से टू एंड फ्रो, फ्रो मोशन में वो वाइब्रेट करेंगे वाइब्रेट होते होते हैं आगे पीछे आगे पीछे टू एंड फ्रो में सारे कट्ठे हो गए होने लगे सो कहीं

Rare so, जब ये एक साथ आ रहे हैं तो वो कंप्रेशन हो गया और जब थोड़ा दूर होते हैं एक दूसरे से तो वो रेयर फ्रैक्शन का एरिया हो गया एज दी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स बैक एंड रेयर फ्रेक्शन और इसी तरीके देखो यहाँ पे कहीं पे कंप्रेशन है रेयर फ्रेक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन तो वो सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होते रहते हैं ठीक है इसी तरीके से साउंड एयर के थ्रू प्रोपोगेट करती है मतलब ट्रेवल करती है आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ साउंडियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन अब हमने हमेशा ये पढ़ा है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए तो एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज को हमें प्रूव करना है तो कैसे करेंगे पढ़ लेते हैं टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पम्प सो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक बेल ली है और एक ग्लास जार में उसको सेट कर दिया है

ऑलमोस्ट ऑल एयर हैज बीन needs आउट मीडियम टू ट्रेवल तो जब तक तो इस जार के अंदर एयर थी तब तक हमें आवाज सुनाई दे रही जैसे ही हमने वैक्यूम पंप से एयर को बाहर निकाली तो जितनी भी इसके अंदर एयर थी वो बाहर आती गई और जैसे यहाँ पे एयर फिनिश हुई साउंड आनी बंद हो गई बिकॉज साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए और जो वैक्यूम में वो नहीं ट्रेवल कर सकती ठीक है आगे बढ़ते हैं सो so, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास वाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूटनल वेव सो द साउंड लॉन्गिट्यूटनल वेव बिकॉज ऑफ द कम्प्रेशन एंड रेयर द एयर एयर पार्टिकल वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन दैट इज पैरल टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन सो ये जो था लॉन्गिट्यूटनल और ट्रांसवर्स वेव ये हमने अच्छे से समझा था कैसे समझा था जब हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है पहले हमने देखा था वेव का मूवमेंट जैसे वेव की डायरेक्शन ये है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो हमारे पार्टिकल्स हैं जब वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं इस तरीके से और इस तरीके से सो तो वेव की डायरेक्शन ये है पार्टिकल्स भी या तो ऐसे या ऐसे हैं तो वो क्या है पैरल है एक दूसरे के तो जब वो पैरल होते हैं तो वो लॉन्गिट्यूटल वेव होता है इसी तरीके से अब वेव की डायरेक्शन तो हमारी यही रही अगर हम बात करें पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मूव में जैसे ये पार्टिकल्स है लेकिन अब जब ये मूव कर रहे हैं तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं सो so, ये हमारी वेव की डायरेक्शन ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन तो अब ये पपेंडिकुलर है और पपेंडिकुलर का मतलब है ट्रांसवर्स वेव हो गई ठीक है सो दिस वॉज फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सो क्वेश्चन नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड हिज वॉइस सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम सो अगर आप एक डार्क रूम में बैठे हो एंड वहां से अगर आपके किसी फ्रेंड ने आवाज दी तो हम क्या करते हैं जैसे आपकी मम्मा आवाज़ देंगी पापा आवाज देंगे भाई बहन आवाज़ देंगे कोई फ्रेंड आवाज जिसको आप जानते हो जिससे आप बात करते रहते हो तो हम उनकी आवाज़ पहचान लेते हैं तो वो कैसे क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिससे हम वो पहचानते हैं सो so, टिम्बर And pitch are the characteristics of sound which help to identify the sound of different voices. हर इहार इंसान की थोड़ी सी voice differ करती है, so ये एक जो ये features है, दो characteristics है timbre and pitch. ये दोनों identify करने में help करते हैं किसी की voice. ठीक है, so ये था fifth question. Next question पे आ जाते हैं. So question number six है. Flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard. फ्यू uh, से तो एकदम से जो थंडर होता है और जो साउंड होता है जो लाइटनिंग होती है और जो साउंड होता है एक साथ प्रोड्यूस होता है लेकिन हमें लाइटनिंग दिख जाती है साउंड बाद में आती है ऐसा क्यों होता है द स्पीड ऑफ साउंड थ्री फोर फोर मीटर पर सेकेंड इज लेस देन दीड ऑफ लाइट विच इज थ्री इंटू 10 रेस टू दी पावर 8. सो so, यहाँ पे जो हमारी साउंड की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम है अब अगर लाइट की स्पीड तेज है तो लाइट पहले दिख जाती है साउंड की स्पीड कम है तो वो बाद में आती है साउंड ऑफ थंडर टेक्स मोर टाइम टू रीच दी अर्थ एज कम्पेयर टू लाइट हेंस अ फ्लैश इज सीन बिफोर वी हियर अ थंडर ओके सो दिस वॉज दिस सिक्स क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं So question number 7 says a person has a hearing range from 20 hertz to 20 केक्स हर्ट्स मतलब ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स वॉट आर द टिपिकल वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव इन अ एयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस टू फ्रीक्वेंसी टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड सो हमें स्पीड बता दी कि स्पीड आप ले लो 344 मीटर पर सेकेंड अब यहाँ पे हमें क्या क्या पूछा है 20 हर्ट्ज़ पे मतलब दो फ्रीक्वेंसी पे हमें बेसिकली वेव लेंथ निकालनी है अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें सो वी नो दैट इज इक्वल टू वेव लेंथ इन में फ्रीक्वेंसी करेक्ट सो so, अगर हम पहले 20 हर्ट्ज़ लेते हैं सो so 20 हर्ट्ज़ की बात करें तो स्पीड अगेन सेम ही लेनी है वैसे तो दोनों में 344 फोर्टी फोर इक्वल्स टू वेव हमें निकालना है इनटू फ्रीक्वेंसी हो गया 20 सो so ये हो जाएगा 344 फोर फोर अपॉन में ट्वेंटी विच विल बी इक्वल टू आर वेव ये हो जाएगा इसको टू से कैंसिल करेंगे ये आ गया वन ये आ जाएगा सेवन ये आ गया टू एंड uh, यहाँ पे जीरो था तो ये आ जाएगा सेवेंटीन पॉइंट टू सो so, जब ट्वेंटी हर्ड्स हमारी फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारी वेवलेंथ कितनी आएगी सेवेंटीन पॉइंट टू और यही सेम चीज़ अगर 20,000 हर्ट्ज की हम निकाल रहे हैं सो ट्वेंटी थाउजेंड में क्या होगा फॉर्मूला सब सेम रहेगा थ्री फोर फोर इक्वल हो जाएगा वेवलेंथ लेंथ में ट्वेंटी सो so, ये हो जाएगा थ्री फोर फोर अपॉन में ट्वेंटी थाउजेंड इक्वल टू वेवलेंथ अगेन अब टू से डिवाइड करेंगे तो यही सेम आएगा वन सेवन टू बट इसमें देखो डेसिमल कितनी है मतलब नीचे जीरो कितनी है वन टू थ्री फोर 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 हमारे पास जीरोज है सो so, मतलब फोर डिजिट पहले सो so, एक दो तीन चार डिजिट पहले डॉट हमारे पास डेसिमल आएगा विच मीन्स ये हो जाएगा 0.0172 ये आ गई हमारी वेवलेंथ ठीक है तो 20 हर्ट्स में भी बता दी हमने 20,000 थाउजेंड हर्ट में भी बता दी सो दिस वॉज दी सेवंथ क्वेश्चन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास पहले तो इसको थोड़ा सा हम्म चलो Two children are at opposite ends of an aluminium rod. One strikes the end of the rod. विद स्टोन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई द साउंड एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच दाइल्ड सो बेसिकली यहां पर हमें टाइम ट्रेवल निकालना है एक में हम साउंड एयर में ले रहे हैं और एक में हम एल्यूमिनियम में ले रहे बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एक चीज हमें पता होनी चाहिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर सो जब हम स्पीड ऑफ साउंड एयर में बात करते हैं सो वी टेक थ्री फोर्टी सिक्स मीटर पर सेकेंड एंड जब एल्यूमिनियम में बात करते हैं तो दैट इज सिक्स फोर टू जीरो मीटर पर सेकेंड सो दोनों में आपको स्पीड याद रखनी है स्पीड अगर हमें पता है हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये तो हमें पता नहीं है सो so उसको लेट कर लेते हैं लेट डिस्टेंस बी x ठीक है x मीटर मान लिया कि हमने इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं अब अगर हम स्पीड टाइम और डिस्टेंस के जो बेसिक फॉर्मूला है उस पे जाएं सो हमें पता है टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेक्ट सो एक टाइम निकालना है हमने एयर में सो so, वो क्या होगा डिस्टेंस कितना है दोनों में x डिस्टेंस लेवल के x अपॉन स्पीड कितनी है अभी लिखी है मैंने यहां पे 346 और इसी तरीके से टाइम निकालना है एल्यूमिनियम में सो अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है सिक्स फोर टू जीरो अब यहाँ पे आप सोचोगे तो एक x एक्स आगे आंसर तो हमारा अभी भी नहीं निकला हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें क्या निकालना है हमें दोनों का रेशियो निकालना है तो अगर मैं रेशियो निकालू So, निकालने के लिए क्या करते हैं हम एक के नीचे एक को रख देते हैं तो ये हो जाएगा x 346 x अपॉन 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 में में सो से हमारा x से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा कैसे होगा जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है तो ये पार्ट क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है विच मीन्स अगर ये है हमारे पास एक्स अपॉन थ्री फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आ जाएगा अपॉन में एक्सो एक्स एक्स कैंसिल अब इन दोनों को कट आउट कर लेते हैं सो सो इसको कट कर देते हैं टू के टेबल से ये आ जाएगा वन सेवन थ्री इसको कट करेंगे आ जाएगा थ्री टू वन जीरो सो वन सेवनटी थ्री तो कट होगा नहीं सो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं वन सेवनटी थ्री को डिवाइड करना है हमें वन थ्री एक बार देख लेते हैं क्या था थ्री टू वन ज़ीरो सो थ्री टू वन ज़ीरो से इसको डिवाइड करना है सो so, पहले तो वन से ही होगा ही आ जाएगा वन सेवेंटी थ्री बिकॉज टू से बड़ा हो जाता ना तो यहाँ पे बचेगा इलेवन में से थ्री माइनस करेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सो ये आ गया हमारे पास एट एंड यहाँ पे बचा वन सो सेवन एट नाइन टेन इलेवन फोर आ गया ये बचेगा वन सो so, नीचे इसको यहाँ पे कैरी कर लेते हैं वन फोर एट जीरो आ गया वन सेवेंटी थ्री को ज़रा नाइन से करके देखें सो नाइन थ्री 27 ट्वेंटी सेवन नाइन सेवन 65 सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव एंड ये हो जाएगा नाइन टेन इलेवन फिफ्टीन हो गया सो so, भाई ये तो बड़ा आ गया हमें छोटा करना पड़ेगा एट से करके देखते हैं एट से करेंगे तो ये आ जाएगा एट थ्री 24 ट्वेंटी फोर सेवन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट एंड देन वी हैव एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन सो वन थ्री एट फोर आ गया वन थ्री एट फोर लिख लेते हैं यहाँ पे एट से किया है ना हमने सो so हो जाएगा टेन में से फोर किया सिक्स सेवन में से एट माइनस सेवनटीन में से एट माइनस करेंगे नाइन आएगा सो नाइन्टी सिक्स ही बचा पॉइंट लगा देंगे नाइन सिक्सटी हो जाएगा आप देखो वन सेवेंटी थ्री को फाइव से करके देखो मैं, फाइव थ्रीज 15, फिफ्टीन दैन सेवन फाइव थर्टी फाइव थर्टी सिक्स एंड फाइव फाइव सिक्स सेवन एट सो एट सिक्सटी फाइव अब इससे बड़ा करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा चला जाएगा तो एट सिक्सटी फाइव ले लेते हैं एंड ये हमने किया है फाइव से एक स्टेप और कर लेते हैं टेन में से फाइव गया फाइव ये हमारे पास आ जाएगा फाइव सिक्स ये आ जाएगा नाइन और हो गया नाइन नाइन फिफ्टी आ गया फिर से फाइव से ही करना पड़ेगा सो ये हमारे पास सेम ही आएगा एट सिक्सटी फाइव बट हमें इससे आगे करने की जरूरत है एटीन पॉइंट फाइव फाइव आ गया हमारे पास सो सिंपली आई कैन राइट एटीन पॉइंट फाइव फाइव सो दिस इज दी आंसर ठीक है जो रेशियो हमें निकालना था वो आ गया सो दिस वॉज द एट क्वेश्चन अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो क्वेश्चन नंबर नाइन से फ्रीक्वेंसीड हर्ट हाउ मेनी टाइम्स डब्रेट इनट सो यहाँ टाइम दे रखा है हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है अब हमें पता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ ऑसीलेशन सो नंबर ऑफ ऑसीलेशन अपॉन मे टाइम टेकन ओके okay, सो so, इस केस में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है हंड्रेड एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमें निकालना है कितनी बार वाइब्रेट हुआ ये निकालना हाउ मनी टाइम डज इट वाइब्रेट और टाइम वन मिनट गिवन है सो वन मिनट मतलब कितना सिक्सटी सेकेंड्स करेक्ट सो यहाँ पे हो जाएगा पॉन में सिक्सटी इसको इधर भेज इस देंगे ये हो जाएगा उजेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास आ गई सिक्स थाउजेंड बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था दिस वॉज दाइन्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सो गाइज दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो इसके बाकी के जो भी हमारे पास क्वेश्चन रिमेनिंग है विल टेक दैट इन दी नेक्स्ट वीडियो आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हो वहां पे आपको लाइन वाइज सारी मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाई